बहुत साल पुरानी बात है, हम रानी खेत गए तो वहां पद्मा विशाखा सब बच्चे भी गए किराए के मकान में 2 महीने रहे। तो हमने सबको कहा कि सब लोग गाजर खाया करो, तरकारी उसमें बड़ा विटामिन होता है। तो गाजर हमारे यहाँ कर्मकांड के हिसाब से वर्जित है। लहसुन प्याज गाजर ये सब हमारे पूर्वज कभी खाते नहीं थे। रसोई घर में आ जाए तो छोड़ दे खाना। लहसुनम ग्रंजनं चैव पलांडुम कवकानि च, कोटेशन है ये। जानवरों को खिलाते थे हमारे यहाँ गांव में, वो दूध अधिक देती थी वो गाय है। तो हमने कहा है बड़े फायदे की चीज है, सब लोग खाया करो। तो विशाखा कुछ आगे जब गाजर रखा तो गाजर खाने को कहता इतनी बड़ी थी, रोने लगी। हमने कहा रो चाहे गाओ, खाना पड़ेगा। तो अच्छी चीज तो लाभदायक होती है, भले ही बच्चों को बुरी लगे, वहां से आने में बुरा लगे लेकिन वो लाभदायक तो है। सब घुटने मजबूत हो जाएंगे, हाँ लैंग्स मजबूत हो जाएगा। अरे हमारे इंग्लैंड अमेरिका वगैरह में बच्चों को रुलाते हैं मार के, रोने से उनके व्यायाम होता है तो उससे बहुत लाभ होता है, ये साइंस है। जो बच्चे रोते नहीं उसको रुलाते हैं जबरदस्ती। अगर हम 1:30 बजे न उठे तो आप सब लोग 7 बजे उठे। यहाँ पूरी मसूरी में जितने लोग आते हैं वो 7-8 बजे तक कहीं उठते हैं, सुनसान रहता है पूरा मसूरी। कोई 2-4 आपको दिखाई पड़ जाएंगे 5 बजे टहलते हुए, वरना रात सोते रहते हैं। सबको मानसिक सुख चाहिए। दया करे और कम से कम लेक्चर में तो खड़े हो जाया करो, खड़े खड़े सुना करो, बड़ा भारी अपराध है ये। 2-3 आदमी ऐसे हैं जिनको कि ऐसा पाप सता पकड़ लेता है, चाहे कृपालु के बाप बोले अपना सोते रहे और समय जागेंगे, लेक्चर के समय जरूर सोएंगे। एक दिल्ली में बीबी माथुर थे, पुराने ICS, जब 3-4 ICS होते थे उस जमाने के, नादन दर्जे के जनरल मैनेजर रहे, उसके बाद DDT फर्म के मैनेजर रहे, लाल बहादुर शास्त्री के बहुत खास थे। उनके घर हम महीने महीने में ठहरे हैं। तो जब हम बोलने लगे, लेक्चर नहीं ऐसे समझाते लगे कोई बात, तो खड़े हो जाए, घंटे घंटे पर खड़े रहे। समझे तुम्हें खड़े खड़े क्यों बोलते सुनते हो, महाराज की नींद आ जाती है, खराब आदत है, तो खड़े खड़े हो। तेरी तस्वीर में, तेरी तस्वीर में
तुझसे भी एक बात निराली है, तेरी तस्वीर में तुझसे भी एक बात निराली है, चाहे जितना चिपटा लो, न शेखी है न गाली है।